मूड एकदम खराब हो गया यार। मतलब ब्रेकफास्ट प्लस भूख भी बहुत जोड़ों की लगी है। स्टार्टिंग में ही बोल दिया करो, अगर 4 तारीख को तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स आई है ना भाई, इतने बंदे को इन्फॉर्म करनी है, आपको 6 तारीख लास्ट डेट है, तो 4 तारीख को ही रात तक कर दो ना इन्फॉर्म, तो अपने को इतना तो दौड़ना नहीं पड़ता ना। मतलब यहाँ से कूदने के बाद ना, मतलब मेरे ऐसा ऐसा ना, मेरा इतना हाइट वाला ना, कम से कम नहीं भी तो 4 लोग इसमें अंदर आराम से चले जाएंगे, तब भी नहीं ये गड्ढा भरने वाला, इतना ऊंचा है। तो जय श्री राम गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस, अभी अपन लोग थाना जा रहे हैं, नूरसराय पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, क्योंकि अपना वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। तकरीबन मैंने 28 या फिर 27 को मैंने पासपोर्ट अप्लाई करा था, तो 1 तारीख को मेरा पासपोर्ट ऑफिस में वेरिफिकेशन था, और उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मेरे को कल रात में कॉल आया था, तकरीबन 7 या 8 बजे फ़ोन आया था, और मेरे को बुलाया गया था नूरसराय पुलिस स्टेशन में। तो अपन लोग सुबह से तो जा नहीं पाए, तो अभी 11:30 फिर 12 बज रहा होगा, मे बी अप्रोक्स टाइम, मेरे को पूरा कंफर्म पता नहीं है। तो अभी अपन लोग घर से निकले हैं और फिर आधे रास्ते में पहुंचे, और यहाँ पे रोड ब्रेक होया हुआ है, जो कि नीचे साइड से अपन लोग जाने वाले थे, बट ऊपर से अपन लोग पुल के पास से ही जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी मैं एक बार गया था, आप लोगों को शायद याद होगी, जब मैं नूरसराय फ्लाईओवर का जो मैं वीडियो बना रहा था ना, उस टाइम अपन लोग गए थे, और आज एक और फिर से जा रहे हैं। बट अपन लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, और जो अपने को पासपोर्ट ऑफिस से मिला ना रिसिप्ट, वो तीनों अपने को वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। फिर वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है ये मैं आपको लास्ट बताऊँगा, वो प्रोसेस होगा, उसके बाद अपन लोग अपना 10 से 15 दिन बाद पासपोर्ट घर पे आ जाएगा कुरियर होके। तो अभी अपन लोग फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और फिर आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। अपन लोग ये वाली पुल से जा रहा है जो आपको मैं आपको दिखाता हूँ, अकेला हूँ, ये अपना स्प्लेंडर बाइक, और मेरे साथ आज कोई नहीं है, मैं बस अकेला ही जा रहा हूँ, तो वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ये देखो, ये वाली पुल है ना, ये वाली अभी तक इनकम्प्लीट है, बारिश का मौसम आने वाला है, बट फिर भी इनकम्प्लीट है, नीचे के साइड से ही सारे लोग जाते हैं। और फिर ये अपना हेलमेट, जो कि मेरा हेलमेट किसी के पास दिया हुआ है, तो अपन लोग ये अभिषेक का हेलमेट लिए हैं, जिप का, जो कि डिलीवरी का होता है कुछ हरियाणा की तरफ उसका। और फिर अपन लोग देख सकते हो मिरर में, ये हम हैं। सो अभी अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और फिर भाई थोड़ा सा वीडियो में कम कम बनाएंगे, क्योंकि यार समझ रहे हो ना, अकेले वीडियो बनाना कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं गाइस, आपको अभी पुल दिखा देता हूँ, वहाँ पे देखो अभी काम हो रहा है, मे बी ट्रैक्टर से बालू गिरा हुआ है, तो वहाँ से बालू का क्या यूज है इसमें नहीं पता, शायद कुछ यूज होगा, तो वहाँ से बालू उठा रहा है गाइस। मतलब वहाँ पे ना पहले बालू गिराया था और अभी उठा रहा है। तो ये देखो रोड का हाल ऐसा है, यहाँ से ऊपर आया फिर डायरेक्ट से नीचे हो गया गड्ढा टाइप का, और फिर देखो ये वाली पुल, ये देखो भाई दिख रहा है कैसा मस्त लग रहा है, ये देखो इधर से कितना गड्ढा आया। मतलब यहाँ से कूदने के बाद ना, मतलब मेरे ऐसा ऐसा ना, मेरा इतना हाइट वाला ना, कम से कम नहीं भी तो 4 लोग इसमें अंदर आराम से चले जाएंगे, तब भी नहीं ये गड्ढा भरने वाला, इतना ऊंचा है। और फिर देखो ये पुल भाई, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, नेक्स्ट लेवल वाला ये पुल बन गया, बट पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, रोड के बराबर ये कर देगा ना सही से, तो काफ़ी मस्त हो जाएगा। और फिर इधर भाई सोचो पानी आ जाएगा तो क्या होगा इसमें, देख रहे हो भाई, पानी आने के बाद तो गजब ही, मतलब कोई जाएगा ना तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। इसी कारण से इधर साइड सपोर्ट भी दिया हुआ है, देखो इधर पानी गिरा हुआ, बालू गिरा हुआ है, बालू को उठा रहे ट्रैक्टर पे, देखो यहाँ पे कैसा है भाई, ये देखो गाइस, मतलब इसको जिगजैग नहीं बोल सकते ना, इसको बोल सकते हैं माउंटेन वाली जो होती है ना, ऊपर नीचे, क्या उसको बोलते हैं, ऊपर नीचे वाला रोड है वैसा ही, तो अपना वैसा ही बाइक को पार करना, उस तरफ जाना, और फिर अपने को बस सामने ही चले जाना है, चिमनी जो भी आगे मिलेगी ना ईटा बनाने वाला, उससे भी सामने जाके अपने को लेफ्ट लेना, अंधना मोड़ से बगल में ही है। तो अभी अपन लोग फिलहाल बाइक को लेते हैं वहां से और फिर निकलते हैं। सुबह अपने को बहुत ज़्यादा प्यास लग चुकी है, लाइक अभी का जो टाइम है ना, धूप काफ़ी ज़्यादा तगड़ा वाला है, और धूप ना, मतलब जो लू होती है ना गर्मी में, वो चल रही है। तो हम लोग तो गांव से हैं तो हम लोग झेल लेते हैं गाइस, बट जो शहर से है ना, वो शायद इतना गर्मी नहीं झेल पाएंगे। तो गर्मी का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हो गाइस, कि जो भी गेहूँ थी ना वो कट चुकी है, लाइक पहले हरी भरी थी, बट ये जो गर्मी आ चुकी है ना, हवा चलती है ना, ये वाली गर्मी वाली हवा, उसके कारण गेहूं सारा पीला हो चुका है, पक चुका है सारा, कटने लायक हो चुकी है। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितने ज़्यादा गर्मी है और कैसा लू चल रहा है। तो ज़्यादा धूप में ना रहो तो सही है, क्योंकि लू लग सकती है, लू लगने के कारण ना, मतलब फीवर भी, वोमिट ये सब आता है, तो वो भी हो सकता है, बट अपन लोग गाँव के लोग हैं तो उतना इफेक्ट नहीं आता अपन लोगों को, क्योंकि हम लोग हमेशा ज़्यादातर धूप में ही बिताते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कहीं भी कुछ भी धूप में ही करते हैं। लेकिन अभी मेरे को प्यास लगी है, तो
तो एक प्यास के कारण अपन लोग इतना बात बोल दिए, समझ सकते हो गाइस। तो अपने को प्यास लग चुकी है, इसी कारण से थोड़ा बहुत पानी अपन लोग ढूंढते हैं, फिर आगे पानी पीते हैं और फिर आगे निकलते हैं गाइस। ये देख रहे हो, ये देखो गेहूं सारा कट चुकी है गाइस, इधर सारा गेहूं कट चुकी है, इधर देखो इधर कटने वाली और फिर ये क्या धान वाला है, और उधर भी बहुत सारा कट चुका है, लाइक कुछ कुछ बचा हुआ है, देख रहे हो पीला सारा हो चुका है। सो बस यही कुछ था, अपने को प्यास लगा हुआ, शायद आगे प्रहलाद नगर में उधर पानी मिल जाए तो मेरे लिए बेटर होगा, क्योंकि प्यास लग चुका अपने को जोरदार, क्योंकि अपन लोग घर से ना पानी पी के नहीं आए थे, क्योंकि किसी का इंतजार कर रहे थे कि वो आएगा फिर साथ में चलेंगे, बट इंतजार होता ना किसी के भरोसे ना भाई काफी ज्यादा लॉस होती है, तो किसी के भरोसे मत रहना, बस यही मेरा बात मानना गाइस। तो अभी अपन लोग यहाँ से निकलते, पहले पानी पीते हैं। अभी हम लोग नूरसराय थाना पहुंच चुके हैं, ये देखो यहाँ पे चेकिंग होता था ना, और ये अपना थाना है भाई, इस साइड से देखो अपना बाइक उधर लगा हुआ उस तरफ, और अपन लोग इधर से पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि अपने को वीडियो भी बनानी है ना, इसी कारण से अंदर शायद एंट्री वीडियो बनाने का अलाउ ना हो, इसीलिए बाहर अपन लोग आप लोग को दिखा देते गाइस, अंदर तो शायद अलाउ नहीं करेगा, ये तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ। तो भाई देख सकते हो अभी ये एंट्री गेट है, यहाँ पे अपन लोग वीडियो को बंद कर देते हैं, क्योंकि भाई अलाउ ना होगा तो समझ रहे हो ना, पुलिस के साथ छेड़खानी बहुत ही भारी पड़ सकती है, तो इसी कारण से देखो इधर भाई थ्रेसर मशीन ये सब सारा कुछ है, और ये अपना पुलिस स्टेशन है, तो यहाँ पे चलते हैं, पासपोर्ट वेरीफाई करते हैं और फिर मिलते हैं डायरेक्ट बाहर से। सो फाइनली भाई आज का काम ये भी अपना टक गया, क्योंकि यार अपना एक बार में ना कोई भी काम हो ही नहीं पा रहा है, बिजली वाला भी था वो भी एक बार में नहीं हुआ, दूसरा बार में शायद अभी दूसरा बार ट्राई नहीं किए, शायद दूसरा बार में ही होगा, और ये पुलिस स्टेशन वाली बात भी ना पहली बार में नहीं हुई, लाइक ये लोग फोन करते कब, मेरा डेट था ना 4 तारीख को डेट था, 4 अप्रैल को पुलिस स्टेशन में सारा कुछ आ गया था, इसको कॉल करना और फिर बुलाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, बट ये लोग मेरे को 5 तारीख को रात में 8 बजे कॉल करते हैं, वो भी सिर्फ 2 रिंग उसके बाद कॉल कट, सोचो। उसके बाद मैंने कॉल बैक करा तब बात हुआ, तब मेरे को बोला गया कि कल मतलब 6 तारीख को आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड सिर्फ लेके आना और जो पोस्ट ऑफिस से रिसीविंग मिला वो लेके आना, बट यहाँ पे आने के बाद क्या बोल रहे हैं ये लोग, भाई मुखिया से तुम्हें लिखवानी है, उस पर साइन करवानी है, उस पर फोटो पेस्ट करनी है, और उसके बाद आपको आधार कार्ड का जीरोक्स लेके आनी है, फिर वो रिसीविंग है उसको लेके आनी है। इसके बाद मैंने बोला सर मेरा डेट अभी होगा ना 1-2 दिन, तो उन्होंने चेक करा और बोला आपको 4 तारीख को फ़ोन किया गया है, बट मैंने दिखा दिया यार ये देखो कॉल आपने कब कराया कॉल, तो उन्होंने बोलते हैं नहीं 4 तारीख को आपको कॉल किया होगा, आप नंबर डिलीट कर दिए होंगे, बट यार मेरे पास कोई कॉल आया ही नहीं, अब बताओ यार, मतलब ये लोग सिर्फ इधर उधर नचाने वाले काम ही करते हैं। और अभी टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, अभी अपन लोग गाँव जाएंगे, फिर मुखिया से सिग्नेचर करवाएंगे, सोचो यार खाना भी अभी अपन लोग नहीं खाएं, सिर्फ ब्रेकफास्ट किए हैं, उसके बाद अपन लोग इधर उधर जाएंगे, सोचो यार कितना टाइम लगेगा, फिर अपने को शाम में बुलाया, अगर आज नहीं हुआ ना तो रिजेक्ट हो जाएगा अपना, फिर से अपने को वेरिफिकेशन के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा, बट और क्या कर सकते हैं ये लोग, मतलब इधर उधर करने वाले लोग ही होते हैं यार, मतलब कब अपना सिस्टम सही होगा ये तो पता नहीं अपने को, बट आई होप कि जल्दी सही हो जाए यार, कर दो यार सही, मतलब शायद कोई और बंदा होता ना तो इतना नहीं कर पाता यार, मतलब मूड एकदम ख़राब हो गया यार, मतलब ब्रेकफास्ट प्लस भूख भी बहुत जोड़ों की लगी है, तो अभी फ़िलहाल जल्दी से घर जाते हैं और फिर मुखिया के यहाँ जाके वो लेटर पैड पे अपने को लिखवानी है कि अपने ऊपर कोई FIR नहीं है, अपना फैमिली में कुछ भी, मतलब सारा कुछ यही सब लिखाता है, फिर स्टाम्प मारेगा भाई, सिग्नेचर करेगा, फिर आपका उसमें फ़ोटो पेस्ट होगा, उसके बाद वहाँ से लेटर पैड लो, अपना जीरोक्स निकालो आधार कार्ड का, जो रिसीविंग है वो लो, फिर स्टेशन में आओ, स्टेशन में फिर से 1-2 घंटा तुम्हें इधर उधर घूमने को मिलेगा, फिर भाई वो साइन करेगा वहाँ का जो पदाधिकारी होगा, फिर भाई वो लोग आगे का प्रोसेस करेगा, लाइक प्रोसेस में कुछ नहीं होता यार, 2-3 ही मेनली काम होता है, उसमें टिक लगाना होता है FIR है या फिर नहीं यही सब, बट ये लोग भाई मतलब क्या बोले यार, बट कोई ना ऐसा वेरिफिकेशन होना चाहिए, बट इतना नचाना नहीं चाहिए यार किसी को, स्टार्टिंग में ही बोल दिया करो, अगर 4 तारीख को तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स आई है ना भाई, इतने बंदे को इन्फॉर्म करनी है आपको, 6 तारीख लास्ट डेट है, तो 4 तारीख को ही रात तक कर दो ना इन्फॉर्म, तो अपने को इतना तो दौड़ना नहीं पड़ता ना, बट ये लोग इन्फॉर्म किए कब, तो 5 तारीख को रात में, आज 6 तारीख है, आज अपने को कैसे भी करनी है वरना रिजेक्ट हो जाएगी, मुखिया गांव में होगा या फिर नहीं होगा उसका भी पता नहीं, वो भी इधर उधर ही होगा, बट कोई ना जाते हैं देखते हैं भाई क्या सीन होता है, अभी दिमाग ख़राब हो चुका है मेरा भाई, क्या बोल सकते हैं भाई आप लोग को, बस मजबूरी है यार समझो, ये भी करना ज़रूरी है, तो सोच रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड करें गाइस, तो बाय बाय, जय श्री राम गाइस, बाय बाय।